अभी पता सबसे चीज क्या होती है, ये पेट्रोल का साइन जब फुल होता है तो मजा ही आ जाता है। तो अभी हम लोग कहाँ चलने वाले हैं? अभी हम लोग बहा की तरफ चल रहे हैं, बहा होते हुए हम लोग इटावा जाएंगे। okay. फिर वहाँ से हम लोग सुमेर सिंह का किला और लॉयन सफारी घूमने जा रहे हैं। तो चले फिर पक्का। चलो फिर ग्रेट, गाड़ी टॉप गियर में डाल दो। इटावा क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग आगे चल रहे हैं भिंड की तरफ, जो आगे ये रोड आगे कंटिन्यू होते हुए ग्वालियर तक जाता है। अभी जस्ट लॉयन सफारी आ चुका है सामने, वो आप देख रहे हैं दो शेर बने हुए हैं, वो लॉयन सफारी है। अभी दोस्तों हम लॉयन सफारी इटावा में आ चुके हैं, तो आप हमारे पीछे ये शेरों की दो प्रतिमाएं देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये प्रतिमाएं हैं। और ये सफारी जो पत्थरों की डिजाइन से लिखा हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर अक्सर पर्यटक आते हैं, अपनी सेल्फीज लेते हैं और इस जगह का लुत्फ लेते हैं। तो अभी हम आपको इस जगह के चारों ओर के नजारे को दिखाएंगे और कुछ बातें हमें त्रिपाठी बताएंगे कि ये उनकी होम टाउन जैसी जगह है। त्रिपाठी आप बताइए इस जगह के बारे में कुछ, आप क्या विशेष बात बता सकते हैं इसमें, कितने शेर पाए जाते हैं यहाँ पे, कब होता है, क्या टाइमिंग होता है कुछ ऐसा? देखिए वैसे तो ये पब्लिकली अभी ओपन नहीं है अब, और ये अखिलेश यादव जी की सरकार में बनवाया गया होता। और यहाँ पर जो शेर लाए गए हैं गुजरात के, गुजरात से लाए गए हैं, जो काफी वहाँ का फेमस है। तो अभी हम लोग तिक्सी मंदिर पहुंचने वाले हैं, अब कुछ ही दूरी पे है अपने मंदिर से, अपनी मंजिल से। ये कुछ ढलान जैसा रास्ता है, इसको हम पार करते ही और आपको अभी यहाँ से एक गुम्बद जैसी इमारत दिख रही होगी सफ़ेद सफ़ेद, उसी को तिक्सी मंदिर नाम से जाना जाता है। Thank you.
एंट्री करने वाले हैं। मंदिर और चिड़िया चढ़ रहे हैं, आइए चलते हैं, देख सकते हैं टिक्की मंदिर पूरा। तो सीढ़ियों के द्वारा हम टिक्की मंदिर के वो है टिक्की मंदिर का प्रवेश द्वार, यही यहाँ यही यहाँ अभी हम लोग टिक्की मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमने अपने जूते और चप्पल उतार लिए हैं और इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए और मैं मन को काफ़ी सुकून मिला और मन में काफ़ी शांति महसूस हो रही है और शांति का आभास भी महसूस हो रहा है यहाँ के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। असल में ये वैसे माता जी का दरबार तो नहीं है, वो थोड़ा आगे है, ये शिव जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं गाड़ी, देखिए आप सुमेर सिंह किला वो आप देख सकते हैं ऊपर बना हुआ है और इस टाइम हम लोग काफी अच्छी लोकेशन पे हैं।
अभी आपने जो कैब राइड करी आपको कैसा लगा? मज़ा ही आ गया, फर्स्ट टाइम इस तरीके की राइड करी है तो मज़ा ही आ गया पूरी तरीके से। तो आप इस जगह के बारे में कुछ जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस टाइम हम लोग राजा सुमेर सिंह किला पर हैं, ये भी पब्लिकली ओपन नहीं है, इसको VVIP गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया है, तो जब भी कोई VVIP गेस्ट आता है तब इसको खोल दिया जाता है, बाकी पब्लिकली ओपन नहीं होता। ओके, अभी हम लोग से बाहर से इसके नज़ारे देखते हुए तो अभी हम सुमेर सिंह किला में आ चुके हैं और ये मेरे आपको मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि आज धूप काफ़ी है तो आपको थोड़ा व्यू में थोड़ा सा ब्लैकनेस डार्कनेस आ सकती है, पसीने निकाल लिए इस गर्मी में। तो जो ये आप पीछे जो किला देख रहे हैं, जो भी ये इमारत है, इसी को सुमेर सिंह किला नाम से जाना जाता है। यहाँ पीछे एक बैरियर है और इस बैरियर से पार जाना वर्जित है, ये खाली विशेष लोगों को ही अनुमति मिलती है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर हम आए थे, अब यहाँ पर हम कुछ देर रुके हैं और यहीं इसके बगल में हमें एक रेस्टोरेंट दिखता है, ये हमारे बाईं ओर, ये रहा रेस्टोरेंट, ये आप बाईं ओर देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है, यहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे, अगर हमें अनुमति मिली तो हम यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे। तो अभी सतीत के साथ हम लोग ये निकलने वाले हैं। चल सतीत, आप देखने तो दिया ही नहीं लोगों ने, तो क्या कहें इससे ज़्यादा। चलो कोई नहीं, यहीं तक आ सकते थे हम तो, और अंदर जाते थे, अंदर के भी आपको व्यूज दिखाते कुछ, आगे चलते हैं फिर। तो अभी मैं और सतीत अभी सुमेर सिंह किला के जो जस्ट सामने पे एक रेस्टोरेंट है, तो अभी हम वहाँ रेस्टोरेंट पे आए हैं और ये हमारे चारों तरफ का नज़ारा है और जो आप हमारे बैकग्राउंड में जो होटल टाइप की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे ही सुमेर सिंह किला नाम से जाना जाता है। चाउमीन कैसी है खाने? अच्छी है। चलो
मिले हुए। तो अभी हम काली माता मंदिर की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है और हम प्रवेश कर चुके हैं। शाम का वक्त है, दिल ढंडे को है। काली माता की एक सिद्धपीठ है यहाँ पे जो काफी जहाँ मानी हुई है, इसके दर्शन हम करने जा रहे हैं। तो हम वहीं के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं नाव त्रिपाड़ी, और ये हमारे चारों तरफ का नजारा है यहाँ पे। हमने देवी जी के दर्शन कर लिए हैं, हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए और अच्छे से दर्शन कर लिए, और अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। अभी हम भैरव बाबा के लिए जा रहे हैं। हमने अभी काली माता जी के दर्शन कर लिए हैं और हमारे यहाँ जस्ट पीछे भैरव बाबा जी का मंदिर है, तो अभी हम वहाँ के लिए चढ़ाई करेंगे। मान्यता है कि माता रानी के दर्शन बिना भैरव बाबा के अधूरे हैं। हाँ, अधूरे दर्शन माने जाते हैं, भैरव बाबा के। तो अभी हमने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ये सीढ़ियों तक ऊपर जाना है।